भाई अगर आप सत्संग में जाओ और सत्संग में जाकर भी न सुधरो, अच्छा सभी सुधरेंगे बताओ? सब सुधरेंगे हैं? अब माइक वाले थे कोई पूछे कि भाई तुम सत्संग में रोज जाते हो तुम सुधरोगे, तो माइक वाले को क्या मतलब है सत्संग से? माइक वाले को तो मतलब है कि माइक लग जाए अपने, कुछ सेवा पानी हो जाए, अपने घर जाए, हमें रोज रोज महाराज को सुनने से हमारा क्या फायदा? कैमरा वालों से पूछो भाई तुम ठीक हो, तुम रोज सत्संग में जाते हो तुम सुधरे? बोले हमें क्या मतलब, हमें तो खड़ा कर दिया गया है, हम तो कर रहे हैं अपना काम। इनसे संगीत वालों से पूछो किसी और, आप में और इनमें अंतर है। ये अपना कार्य समझ के उस कथा नहीं सुनना है, हम कार्य कर रहे हैं। और एक आप हैं कि अपना कार्य छोड़ के सत्संग में आए, तो ये सुधरे ना सुधरे तुम्हें जरूर सुधरना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना कार्य ही कर रहे हैं, तुम तो कार्य छोड़ के आए हो, इनका तो ये कार्य है। ये सुधरे न सुधरे, सुने न सुने, वो इनकी मर्जी। ये कथा सुनने के लिए थोड़ी बैठे, ये तो काम करने के लिए बैठे। तुम कथा सुनने के लिए अपना काम धाम परिवार हार व्यवहार सब छोड़ के आए हो, और उसके बाद भी जीवन में अगर परिवर्तन ना हो तो काम भी गया और नाम भी गया। गया कि नहीं? इनका काम तो नहीं गया, कम से कम इनकी दक्षिणा तो इनको मिल ही जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा जब तुम सुधरे ही नहीं सत्संग में जाके? तो जो सत्संग में जाके भी सुधरना नहीं चाहते किसी काम के नहीं,